अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है डेफ्लॉन टैबलेट। डेफ्लॉन टैबलेट बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन है जो कि पाइल्स यानी बवासीर जिनको होती है उन पेशेंट्स को अक्सर दी जाती है। उसके अलावा ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे खून के सर्कुलेशन की जो बीमारियाँ होती हैं उनमें भी ये यूज़ की जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि डेफ्लॉन टैबलेट होती क्या है, ये किन कंडीशंस में ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती है, इसके अलावा जो है इसका डोज क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि डेफ्लॉन टैबलेट होती क्या है। डेफ्लॉन टैबलेट एक्चुअली एक सप्लीमेंटल मेडिसिन है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो डायोसमीन होता है जो कि एक फ्लेवोनॉइड है। फ्लेवोनॉइड एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को ख़त्म करता है। उसके अलावा जो है ये आपकी बॉडी से या आपके जिस्म से जो है वो फ्री रेडिकल्स जो कि जहरीले मादे होते हैं उनको निकालने में मदद देता है। तो अब बात कर लेते हैं डेफ्लॉन टैबलेट के यूज़ेस के बारे में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि बहुत तरह की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है वो ये है कि ये पाइल्स यानी बवासीर के अंदर इस्तेमाल होती है जिसमें हमारी जो वेन्स होती हैं यानी जो खून की रगें होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं। तो ये उनकी स्वेलिंग को कम करती है, तो स्टूल पास करने में जो इचिंग और जो जलन की जो फीलिंग हो रही होती है तो उसको ये ख़त्म करती है। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है, एक कंडीशन होती है लिम्फ एडिमा के नाम से जिसमें हमारे जो खून की सर्कुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे पानी भरना शुरू हो जाता है जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पे पैरों के अंदर, क्योंकि पैरों में अक्सर कुछ लोगों की सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती। तो नतीजा ये होता है कि वो एरिया सूजना शुरू हो जाता है जहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी बॉडी की स्वेलिंग को ये कम करने में काफ़ी मदद देती है। तीसरा जो इसका यूज़ होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बीमारी होती है जो आजकल बहुत से लोगों को हो भी रही है, वो होती है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे हाथों और पैरों की जो वेन्स यानी जो खून की रगें होती हैं वो सूज कर फूल जाती हैं और हाथों और पैरों में उभरी हुई नज़र आ रही होती हैं अक्सर लोगों के। तो ये इस वजह से होती है और ये ज़्यादातर पैरों में ही हो रहा होता है क्योंकि पैरों से जो है वो दिल तक खून ठीक से नहीं पहुँच रहा होता और जो वेन्स होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो जो है सूज जाती हैं, फूल जाती हैं तो और उभरी उभरी सी नज़र आ रही होती हैं स्किन के ऊपर। तो और ये ज़्यादातर उन लोगों को हो रहा होता है जो कि बहुत देर तक खड़े रह के काम करते हैं या बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं। तो अगर हम बात करें डेफ्लॉन के डोजेज के बारे में तो इसका जो यूजुअल डोज होता है वो ये होता है कि आपने 500 mg की टैबलेट लेनी होती है दिन में दो दफ़ा, सुबह और शाम में आपने इसको लेना होता है और इसको कोशिश ये करनी है कि आपने इसको खाने के साथ इस्तेमाल करना है। तो अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो डेफ्लॉन टैबलेट के जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें पेट में दर्द हो सकता है इसको इस्तेमाल करने के बाद, डायरिया हो सकता है, नौजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है या स्किन पे कोई एलर्जी के रिएक्शन या रैशेज़ वगैरह भी हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डेफ्लॉन की प्रिकॉशंस के बारे में। डेफ्लॉन लेते हुए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो उसमें यह है कि आपने बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के इसको 3 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, और उसके अलावा अगर आप इसको पाइल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो और आपको इस्तेमाल करते हुए 15 दिन गुजर चुके हैं और आपको इसके कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है वो रिजू करना है। और अगर उसके साथ साथ अगर आप पाइल्स के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट भी बहुत ज़्यादा उस पर भी ध्यान देना होगा, आपको फ़ाइबर वाली चीज़ों का उसमें इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा और कोशिश आपको ये करनी होगी कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली और मिर्चों वाले खानों से जो है वो परहेज़ करें। और अगर आप इसको वेरिकोज वेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें फिर आपने ये ध्यान रखना होगा कि आप बहुत देर खड़े रहने वाले काम ना करें और बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग वाले कपड़े ना पहनें। और उसके अलावा अगर आप किसी दूसरी बीमारी की मेडिसिंस भी इसके साथ ले रहे हैं जैसे खून पतला करने की मेडिसिंस जो होती हैं या एंटी एलर्जीज होती हैं या उसके अलावा जो है मसल रिलैक्स करने वाली कुछ मेडिसिन होती हैं
तो अगर आप ये इस तरह की कुछ मेडिसिंस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और प्रेग्नेंट और जो फीड करवाने वाली मदर्स होती हैं वो भी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें।